नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं AH न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। आज बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि जिन लोगों की उम्र अब कोई 60 साल की होगी, 50 साल की होगी, उन लोगों ने बिहार में जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन देखा होगा, उन लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन देखा होगा, उन्होंने पहली बार आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी के स्वर से अलग हट करके एक नए स्वर को सुना होगा, राजनीतिक विचारधारा को सुना होगा, वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आवाज थी। आज हमें उनका जन्मदिन 11 अक्टूबर अच्छी तरीके से याद है। मैं आज पटना में उनके निवास स्थान पर गया था, वहां मुझे शायद 18-19 साल की उम्र की एक तस्वीर मुझे दिखाई गई, जेपी के बगल में मैं भाषण करता हूं, मुझे अपना युवा काल याद आ गया जब देश में दुनिया में लोग करियरिज्म की ओर बढ़ रहे थे, तो बिहार जो ज्ञान का प्रदेश है, जो तप का प्रदेश है, जो प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला प्रदेश है, जो महापुरुषों का प्रदेश है, जो दुनिया को दिशा देने वाला प्रदेश है, वह बिहार नई आवाज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लगा रहा है। ऐसी महान आत्मा को याद करना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और मुझे यह भी ध्यान में आया कि नानाजी देशमुख, जिनको जो राजनीति में चमकते दमकते सितारे थे, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को अपना गुरु मानकर, राजनीतिक दृष्टि से प्रेरणा स्रोत मानकर, उसी कदम कुआ के घर के प्रांगण में जयप्रकाश नारायण जी से आशीर्वाद लिया था, क्योंकि नानाजी देशमुख का भी जन्मदिवस 11 अक्टूबर को ही पड़ता है। और मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूं कि नाना जी ने उस मंच से जयप्रकाश जी के पांव छूते हुए आशीर्वाद लिया था और कहा था, नाना जी आपका जन्म 1902 का है, मेरा 1916 का है, मैं 61 साल का हो गया हूं, आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, आज से राजनीति को त्याग करके समाज के काम में जुट जाऊंगा, समाज के काम को आगे बढ़ाऊंगा। मैं छोटा था, मैंने कहा, नाना जी चमकते दमकते राजनीतिक सितारे और ऐसे समय में आप त्याग रहे हो, 61 साल उम्र हो गई, अब आगे आप क्या करेंगे। मुझ जैसा भी छोटा अज्ञानी को मालूम नहीं था कि नाना जी देशमुख के कर कमलों द्वारा अभी उससे ज्यादा और ज्यादा दूरगामी प्रभाव करने वाला ग्रामोत्थान का आंदोलन उनके हाथों से होना था और अगले 30 साल उन्होंने उसी काम के लिए दे दिए। ये प्रेरणा हमको बिहार से मिलती।